हेलो एवरीवन, पहली मेरे तरफ से सबको शिक्षण दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर अपना बेस्ट देने खड़ा हूँ मैं, लोगों के लिए नहीं, तो ये चीज़ सोच करके मैं अब खड़ा हूँ। और यहाँ पर सारे स्टूडेंट हैं, ये ध्यान में रखना है, यहाँ सब बच्चे हैं। यहाँ पर मैं टीचर हूँ, आज मैं जैसा बोलूँ वैसा करना है, राइट? से बीच में टीचर तो त्या वेळ जास्त लागण्यामुळे आणि आपला लॉस किती झाला, प्रॉफिट किती झाला, हे सगळे मेंटेन आपण बुक्समध्ये केलं होतो। पण हे सगळे मेंटेन वगैरे करताना सुद्धा आपल्याला वेळही जास्त लागतो, राईट? सो वेळ जास्त लागल्यामुळे आणि कॅल्क्युलेशन करतानाही खूप चुका होतात, आणि त्या चुका वाचवण्यासाठी आणि तो वेळ वाचवण्यासाठी हा कम्प्युटर आपला कम्प्युटर फंडामेंटल्स हा बेसिक कोर्स आहे। तो आत्ताच्या जनरेशनमध्ये हा बेसिक कोर्स खूप इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्याबद्दल मी थोडीशी डिटेल्स तुम्हाला सांगणार आहे। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, माझं नाव अक्षता मनोहर लांडगे आणि आज शिक्षक दिन तर आधी शुभेच्छा आणि भारताला प्राचीन काळापासून गुरुची भूमी म्हटले जाते। शिक्षक हे कोणत्याही विद्यार्थ्यांचं भविष्य असतात। टीचर टीच अस गुड मॅनर्स अँड मेक अवर द फ्युचर राईट। टीचर्स डे इज अ स्पेशल डे फॉर एवरी टीचर्स अँड स्टुडंट। टीचर मेक अ गुड सिटीजन्स अँड गुड नेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा रिज्यूम बनाना। और आपको ये ज़रूरत तब पड़ता है जब आप जाते, मतलब आपको कभी जॉब चाहिए रहता है तो आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको रिज्यूम मांगता है, तो वही हम बताएंगे कैसे रिज्यूम बनाते हैं। तो पहले कंटो लेकर लेंगे, सिलेक्ट कॉल हो गया तो हम फॉन्ट दे देंगे टाइम्स न्यू रोमन। ब्लैंक वर्कबुक में मार्कशीट बनाते हैं। तो फिर इसको सिलेक्ट करते हम लोग, इसे बोल्ड किया, बीच में लाया, साइज बढ़ाई और कलर करते हैं हम इसे। रिसिप्ट नंबर हम इधर डालेंगे, रिसिप्ट नंबर है 2-3। डॉक्यूमेंट्स नंबर, वैन जिस पे अपना सामान आएगा वो वैन, मतलब वैन टेम्पो कुछ भी रहेगा वो डालेंगे। वैन डेस्टिनेशन मतलब जिधर अपन को जो सामान पहुंचाने का है वो ठाना डाल देते हम लोग। और एजेंट नेम ध्यान दो, मोटर वैन नंबर जो भी MH 1234। सप्लायर बिल फ्रॉम अशोक इंटर, उसका टेस्ट महाराष्ट्र। परचेस अकाउंट बनेगा। फोटो मतलब कृपया इतना, मतलब इतना इधर तक चेहरा दिखाने दिखना मांगता है। पासपोर्ट साइट इतना यही होता है पासपोर्ट साइट, ठीक है? तो पासपोर्ट साइट बनाने के लिए हमें पहले ये जो दिख रहा है ना, ये फोटो दिख रहा है चेहरा, उसको हमें बस क्रॉप करने का है। तो अब उसको क्रॉप कैसे करने का, ठीक है? तो इस पर ये दिख रहा है राइट एंगल टूल्स, ठीक है? राइट एंगल टूल्स से सिलेक्ट करके आप उसको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं। देखो तो इतना हमने सिलेक्ट किया, इतने का हमको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने का है। टूल से हम लोग इस फोटो को इस साइड से ऐसे रख सकते हैं।
ठीक है, टर्मिनल रखा। उसके बाद अभी इसको पेस्ट कर और पेस्ट करने का, पूरा कागज़ पे से पेस्ट करने का है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके और फिर इस पर लेफ्ट क्लिक करके और अल्ट दबाने का होता है। अल्ट दबा कर आप चाहे तो इसको मूव कर सकते हैं। क्या हो गया, ये एक और पेस्ट हो गया। आपको ये मतलब शॉर्टकट की तरीके से आप फास्ट पेस्ट कर सकते हैं बारह। ठीक है, फिर इन दोनों को भी सिलेक्ट किया, हम दोनों इन दोनों को सिलेक्ट किया, देखो इधर भी सिलेक्ट आ गया। ठीक है, अभी अल्ट दबाकर इनको भी ऐसे अल्ट दबाकर जैसे इस पर क्लिक करके अल्ट दबाकर हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ऐसा हम कॉपी कर सकते हैं, जितना चाहे उतना फ़ोटो को कॉपी कर सकते हैं। ज़्यादा बताने में बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा मौका मिला, पहली बार मैं टीचर डे में ऐसे टीचर बन के मैं पहली बार बता रहा हूँ। ये मेरा मतलब खुद का ऐसा पहली बार है मैं टीचर बन के ऐसे बता रहा हूँ। टीचर बन के आज मतलब थोड़ा गड़बड़ हुआ, कभी आदत नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार टीचर बना था स्कूल में, जब मैं सिक्स में टीचर था, लेकिन वो आधा घंटा बच्चों को शांत करने में निकल गया, कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो टीचर मुझे बोली थी क्या कर रहा है ऐसा वैसा, मैं बोला बच्चे लोग सुनते नहीं तो मैं क्या करूँ। तो मेरा दोस्त उस दिन प्रिंसिपल बना था नीचे, तो ऐसा मतलब स्कूल में होता रहता है। आज भी स्कूल में जा टीचर दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। और आज मतलब मैं पहली बार नहीं टीचर बनी हूँ, इसके पहले भी मैं स्कूल में टीचर बनी हूँ, पर क्लास का मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और वो बहुत अच्छा रहा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई क्योंकि मतलब मैंने वो इतना ध्यान नहीं दिया। टीचर या मार्क्स जो गुरु असतो आपला, तो टीचर जी मेहनत घेतो आपला मार्क्स, ते इथे येऊन आज समजते की टीचरची जी मेहनत असते ती काय असते आणि ती मेहनत किती घेतात। सो इथे येऊन मस्त वाटलं, कॉन्फिडन्स वाढला, छान वाटलं। आज टीचर डे म्हणून सेलिब्रेट म्हणून छान पद्धतीत साजरा झाला, हॅपी टीचर डे। हां, तो आज शिक्षक दिवस था, तो मेरे कैडेट यूट्यूब क्लास में आज मनाया गया था। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने अच्छा किया और बहुत सारे दिया और नीलेश नितेश जो भी है उसने भी अच्छा मतलब मार्कशीट दिखाया। दिया ने पीपीटी बनाया था, वो मतलब प्रेजेंट किया पीपीटी, तो अच्छा लगा क्लास में आके। मैंने भी अपना रिज्यूम जो था वो भी मैंने अपना दिया, तो अच्छा था। आज 5 सितंबर के दिवस पे करियर ज्योति एजुकेशन क्लासेस में शिक्षक दिन साजरा किया गया, तो उसमें हर कोई विद्यार्थियों ने अपना अपना मतलब सिखाया, जो जो उनको टॉपिक दिया गया था, तो अच्छा सिखाया, एकदम गुड था। मतलब वही रिपीट हो गया तो थोड़ा समझ में आया, जो नहीं वो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। तो आज 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन आज करियर ज्योति क्लास में जो आज प्रोग्राम रखा गया, फंक्शन रखा गया, जिसमें सबको अलग अलग टॉपिक दिए गए थे, जैसे मेरे को एक्सेल शीट पे मार्कशीट, किसी को पीपीटी, किसी को वर्ड का मतलब फॉर्म डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना, तो सब ने अच्छे से सिखाया, जिसे डाउट होगा वो भी क्लियर हो गया होगा, जिसके लिए बस अच्छा लगा सबको। करियर ज्योति के एजुकेशन में आज टीचर डे सेलिब्रेट हुआ है, उसमें हम लोग सब ने मतलब अलग अलग प्रेजेंट किया, मतलब कि पीपीटी हुआ, मार्कशीट हुआ, रिज्यूम हुआ, कैसे बनाया जाता है हमको मालूम गिरा, कुछ डाउट था तो हम लोग ने पूछा, वो हमको क्लियर हो गया। आज आपने पूरे कोशिश के साथ, पूरे जो है तन्मयता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपने प्रयास किया, और ये प्रयास, ये पहली कदम आपने क्या किया है, आज स्टार्ट किया है। और आशा करता हूँ जब आपने पहली कदम आपने उठाया है, अब आपको दूसरा कदम भी उठाना पड़ेगा, राइट। जिस तरह अगर आपको मंजिल चढ़नी है, आपने पहली सीढ़ी पर पैर रखा है, तो भैया आपको दूसरी सीढ़ी पर भी पैर रखना होगा,
तभी आप मंजिल को पा सकते हो। तो आज आपने पहली सीढ़ी पैर रखा हुआ है और मैं आशा करता हूँ धीरे धीरे मैं आपको दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, और कोशिश मेरा यही रहेगा कि आपको आपकी मंजिल मिल सके। उसके लिए मुझे जितना भी प्रयास करना पड़े मैं वो प्रयास करता रहूँगा। मैं एक बंदे ने जो है अपना ये क्या बोलते हैं वो बकुला होता है जो मछली पकड़ता है, वो जिसकी लंबी चोंच होती है, लंबी गर्दन होती है, राइट, उसको अपना गुरु बनाए। क्यों? क्यों? पानी में शांत खड़ा रहता है, राइट। मतलब ये कि जीवन में आगे बढ़ना है तो शांति समझदारी से काम करना है, और जैसे ही उसकी मछली मिली तुरंत पकड़ लेता है वो, उसका वार खाली नहीं जाता। वैसे ही जब आपको मंजिल मिले तुरंत उसको पकड़ लो, राइट। तो ऐसे ही जिससे आपको अच्छा सीखने को मिलता है वो आपका गुरु है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, और हर किसी में सीखते रहना है, राइट। जब तक आप लाइफ में सीखोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं, इसलिए सीखते रहना है। हर कोई गुरु है, मैं भी कई चीज़ आप लोगों को सीखता हूँ, मैं भी कई चीज़ आप लोगों को सीखता हूँ, समझ में आ रहा है, और कई चीज़ आप हमसे सीखते हो, तो मेरे लिए आप ही गुरु हो, आपके लिए मैं गुरु हूँ, राइट। लेकिन जो रियल गुरु होते हैं, गुरु जो है मैंने ऑलरेडी जो है गुरुकुल में बताया, तो जो रियल गुरु होते हैं, राइट, वो वैसे गुरु होते हैं जो आपको जो है पूरे संसार सागर के बंधन जो आपको मुक्त कर दे, वो रियल गुरु होते हैं। और दूसरे जो गुरु होते हैं संसार में जीना खाना कैसा है उसकी आपको शिक्षा देते हैं। जैसे मैं आपको जीना खाना कैसा है, कमाना कैसा है, मैं वो शिक्षा दूंगा मैं। लेकिन जो आपके नामदेव हुए, तुकाराम हुए, ज्ञानेश्वर हुए, ये आपको ये नहीं बोलेंगे तुम जो है नौकरी करो, वो ये बोलेंगे तो भजन करो, राइट, वो ये बोलेंगे। दो टाइप के गुरु होते हैं, इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे हम। तो एक बार फिर तहे दिल से आप सभी का जो है धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच।